हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12 जनवरी 2020 में पूछे गए एमपीपीएससी प्री के पेपर वन के सभी 100 प्रश्नों के विस्तृत हल। यानी पेपर वन जनरल स्टडीज़ के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम डिटेल में उनके आंसर्स को जानेंगे। तो सभी 100 प्रश्नों के आंसर जानने के लिए बनी रहेगा मेरी वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जिन्होंने ये एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके लिए भी शेयर करें। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? इसका सही उत्तर दोस्तों कश्मीर हिमालय में। दोस्तों करेवा कश्मीरी घाटी के झील निक्षेप हैं, इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप और हिमोड़ उपस्थित होते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीली निक्षेपों को करेवा कहा जाता है। करेवा में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिले हैं। पहले प्रश्न का आंसर और देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दो सूची दी गई हैं, इनको सम्मिलित करना है। तो एक साइड चार ऑप्शन है, काला हांडी, जावर, कोलार और मुसाबनी, और दोनों और दूसरी साइड खनिज संपदा है। तो किस खनन क्षेत्र से कौन सी खनिज संपदा अधिक मात्रा में मिलती है ये हमें दोस्तों आपको बता दें कि काला हांडी में, जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसमें बॉक्साइट जो है वो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जावर जो है वो उदयपुर में स्थित है, और इसमें विश्व की सबसे पुरानी जस्ता की खान है। यहाँ पे जिंक ब्लेंड और गैल्ना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोलार जो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और सोना यहाँ का मुख्य खनिज है। आखिरी है मुसाबनी, तो यहाँ पे तांबे की खदानें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे चार वन्य जीव अभ्यारण दिए हुए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए हैं, तो ये हमें देखना है। पहला है मुकाम्बला, ये कर्नाटक राज्य में है, ये सही है। दूसरा है डालमा, ये झारखंड राज्य में है, ये भी सही है। नैयर, ये छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ दिया गया है, जबकि ये छत्तीसगढ़ राज्य में ना होके केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा, ये सुमेलित नहीं है। और चौथा इसमें ऑप्शन था कोटीगांव, ये गोवा में ही स्थित है। किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो ये सबसे अधिक जो गिरावट है वो 1931 से 41 के बीच में दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो ये जोड़ता है दोस्तों सिलचर एवं पोरबंदर को, तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बोधन दउआ किसका सेनापति था? ये दोस्तों आपको बता दें सायगढ़ के राजा वखत वली का सेनापति। अगला प्रश्न है, ये नीचे जनजाति और उपजाति दी गई है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। दोस्तों जो अगरिया है वो गौंड जनजाति में आती है, और यह मध्य प्रदेश में मंडला और शहडोल में पाई जाती है। इनका प्रमुख देवता लोहासुर होता है। अगला है बिजवार, तो ये बैगा जनजाति में आती है, ये मंडला डंडोरी और बालाघाट में पाई जाती है। तीसरी है जो है पटलिया, तो ये भारिया दिया हुआ है, जबकि ये भील जनजाति में आती है। तो यहाँ पे हम तीसरा ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो भील जनजाति है भारत में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। इसके बाद चौथा ऑप्शन था इसमें कोरकू, इसकी उपजाति है महार, ये भी सही है। इसका मतलब हम तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे। अगला प्रश्न है, इन पर विचार करना है, मांडू धारजले में है, और दूसरा पॉइंट है मांडू में हिंडोला महल है। तो इनमें हमें सही उत्तर चुनना है। तो इनमें केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं,
तो दोनों, ये जो दोनों वाक्य हैं, मांडू जो है वो धार जिले में ही स्थित है, ये सही है, और मांडू में हिंडोला महल भी स्थित है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है दोस्तों छतरपुर में। अगला है, काठी क्या है? तो यही एक लोक नृत्य है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह वलाही हरिजन समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर है 5 बार हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 द्वारा किया गया था। देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों आपको पता ही होगा, लाडरपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? दोस्तों ये करते हैं 243K के तहत, और जो बाकी की जो LMN हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारत में सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। भाग 9 में अनुच्छेद 243K के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अवबंध किया। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकते हैं। और दोस्तों और ये जो बाकी के तीन और ऑप्शन हैं, के जो है अनुच्छेद 243K जो है वो पंचायतों के निर्वाचन के लिए है, अनुच्छेद 243L संघराज क्षेत्रों में लागू होना, और अनुच्छेद 243M जो है इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना, और एन जो है वो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ये इसके बारे में डिटेल में है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों भाग 9 में है, अभी हमने ऊपर चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उज्जैन, यानी बी। और देखते हैं कैसे सही है। तो दोस्तों आपको बता दें, भोपाल की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 23,71,061 है, और उज्जैन शहर की 5,15,215 है, जो कि 10 लाख से कम है। इसी प्रकार देखते हैं, ग्वालियर की जनसंख्या 20,32,036 है, और जबलपुर की है 24,63,289। तो इस प्रकार उज्जैन जो शहर है उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे टिक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो इसके चार ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है कि जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान के प्रवेश से इनकार करता है, तब यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये दोस्तों धारा बी, दोस्तों ये धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है, यानी इसका बी ऑप्शन पर हमें टिक करना होगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 में प्रवृत्त हुआ था। अगला प्रश्न, दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें असत्य कथन छांटना है। पहला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। ये वाक्य गलत नहीं है, ये सही है। बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। दोस्तों ये बात गलत है। और जो COD जो है इनको हम देखते हैं, पीड़ित जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(घ) में परिभाषित है, ये बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है आश्रित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(ख)(ख) में परिभाषित है, ये भी सही है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत है, यानी हमें यहाँ पे बी पे टिक करना पड़ेगा। और अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा 2019 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। तो ये दोस्तों श्री लियोपो दामचो दोरजी भूटान से थे जो कि, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है। तो ये दोस्तों आप सबको पता होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह हेतु कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया। तो इसको दोस्तों 51,000 कर दिया गया है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये किया है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ाघाट जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और भालकुंड जो है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ में बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 38 मीटर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा भालकुंड यानी बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता। तो ऑप्शन है NH3, NH12, NH7, NH8। तो इनको हम देखते हैं, NH3 जो है वो पाकिस्तान की सीमा अटारी से आरंभ होकर हिमाचल प्रदेश में मनाली से निकलता हुआ लद्दाख के लेह शहर में अंत होता है। इसकी लंबाई 556 किलोमीटर है। और NH12 जो है वो राजस्थान के जयपुर शहर को मध्य प्रदेश के जबलपुर से जोड़ता है। NH7 जो है वो यह पश्चिम में भारत पाक की सीमा के समीप पंजाब के फौजिलका को पूर्व में भारत तिब्बत सीमा पर उत्तराखंड के माडा गांव से जोड़ता है। इसकी लंबाई 845 किलोमीटर। और NH8 जो है वो 1428 किलोमीटर लंबा है, राजमार्ग दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। तो ये जो डी है NH8, ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता। इसका रूट है दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और लास्ट है मुंबई। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सूची दी गई है उनको सम्मिलित करना है। तो एक साइड प्राकृतिक आपदा है और दूसरी साइड प्रभावित क्षेत्र है, तो इनको हमें मिलाना है। तो हम देखते हैं, देखो जो बाढ़ है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आती है, और भूकंप जो है वो हिमालय क्षेत्र में आता है, और सूखा और मध्य भारत के क्षेत्र में आता है, और सुनामी की बात करें तो भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में आती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, जो ई ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है, कोको कटक जो है वो प्रशांत महासागर में है, और बेलवेस कटक जो है वो अंध महासागर में है, अगुलहास ये हिंद महासागर में स्थित है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा टेलीग्राफ पठार। और इसकी बात करें तो टेलीग्राफ पठार जो है वो उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? दोस्तों ऑप्शन में बात करें तो इसका सही आरोही क्रम होगा ये बी ऑप्शन, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। और दोस्तों इसको यदि डिटेल में हम बात करें तो जो सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश की है, उससे कम है चीन की। बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लगती है और चीन की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। और इसकी जो सीमा रेखा है भारत चीन की, तो इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, आपको पता होगा। और पाक्सी जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर लगती है और इसकी सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद है नेपाल, तो ये 1751 किलोमीटर है। और म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो भारत से लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करें तो ये है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की सीमा मात्र 106 किलोमीटर है और इसका नाम है, और इसकी सीमा रेखा का नाम है डोरंट रेखा। और श्रीलंका जो है वो 100 मीटर के क्षेत्र में मात्र इसकी सीमा लगती है। तो और इसकी जो सीमा रेखा है उसका नाम है पाक जल संधि। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूसफ्री स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दोस्तों एकलव्य पुरस्कार। और बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करें तो जो लक्ष्मण पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार भी जो है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार एकलव्य फाउंडेशन जो कि मध्य प्रदेश में एक एनजीओ है वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करते हैं। और अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार खेल के क्षेत्र में प्रदान करते हैं। गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जा रहा है और एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश में ही स्थित एक एनजीओ द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ सकते हैं। और अगला प्रश्न है, में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है? तो ये सोनू गोलकर जी आते हैं। और अगला प्रश्न, मुस्कान करार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? दोस्तों ये जो खजुराहो है, जबलपुर और ग्वालियर, ये अभी वर्तमान में एक्टिव हैं, क्रियाशील है, यहाँ से सेवाएं शुरू हैं, जबकि पन्ना जो है वो क्रियाशील नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा यानी 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सीतासरण शर्मा। और दोस्तों इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है नर्मदा प्रसाद प्रजापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो दोस्तों ये बलराम जाखड़ जी रहे हैं, ये 2004 से 2009 के बीच राज्यपाल थे। और इनके बाद रामेश्वर ठाकुर जो है वो 2009 से 2011 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। और जो डॉक्टर भाई महावीर हैं वो 1998 से 2003 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। और ये चौथा जो ऑप्शन है, न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह, ये राजस्थान के राज्यपाल थे, जो कि 1999 से 2003 के बीच रहे वहाँ पे। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा डी, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है, झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश से केवल 5 राज्यों की सीमा लगती है, वो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? तो ये श्री गोपाल शरण शुक्ल रहे हैं और श्री आर परशुराम भी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त रहे हैं, अजीत रायजादा भी रहे हैं। और जो चौथा ऑप्शन है श्री अवनी व्यास, ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। तो ये इस ऑप्शन का
तो ये इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी पे क्लिक करना होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री इसका सदस्य है, लोकसभा का अध्यक्ष भी इसके सदस्य है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य है, जबकि जो ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति, ये इस समिति का सदस्य नहीं है। तो ये डी ऑप्शन जो है यहाँ पे, इस पे हमें टिक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ये ऑप्शन है, अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं, ये भी सही है। सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता, ये लाइन गलत है। और चौथा ऑप्शन है, अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, ये ऑप्शन सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन है, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अन्य दो ऑप्शन है, और इसमें जो सही आंसर है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम कितनी वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो? तो इसका सही ऑप्शन है 7 वर्षों तक, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं, ये हैं संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय, इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, किस संविधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो इसका सही ऑप्शन है 44वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1978। अगला प्रश्न है, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये थी B.S. रमा देवी। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ये करता है अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के संविधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? ये थी L.M. सिंघवी समिति। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हैं अंटोनियो, इसके पहले बान की मून थे, जो कि 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक रहे, और उसके बाद से एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने, और जो कोफी अन्नान है वो 1997 से 2006 तक महासचिव रहे। कोट वाल्डहेम में वो 1972 से 1981 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? दोस्तों ये हैं सैयद हैदर रजा, ये एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि पेंटर थे। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है भोपाल में, इसका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था कोलिंदा ग्रोवर कितारोविच। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश।
अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो ये है ऑप्शन डी, सत्यभामा सेट। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदर्शन नोकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों फ्लोराइड, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोष से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकान में स्थानांतरण कहलाता है? ये कहलाता है परागण। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई नहीं है, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन है कोबोल, पास्कल, बेसिक, अपरोक्स सभी। तो ये तीनों लैंग्वेज जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रायः होता है? तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मनुष्य की मुख्य गुहा में से होता है। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये दोस्तों व्यापारी थे, तो ये जो यहाँ के जो पहाड़ी लोग थे वो व्यापार संभालते थे। अगला प्रश्न है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये थे अवंती के, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तारीख के फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जियाउद्दीन बरनी। अगला प्रश्न, मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था अहमद शाह प्रथम ने, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था 1856 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बात का सही क्रम क्या होगा? दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में शुरू किया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ था, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में, और ध्यानचंद पुरस्कार की जो प्रारंभ है वो हुआ था 2002 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारी दल का ध्वजवाहक कौन था? ये थे अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्या क्रम था? इसका क्रम था तीसरा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो वो किया जाएगा लॉस एंजल में, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो मोनेको में स्थित है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसमें बीच में अम्बाला नाम दे दिया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? ये है लैडिंग कोशिकाएं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो दोस्तों ताप वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक हो? तो आपको बता दें मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? ये आता है अवसादकारी दवा के अंतर्गत, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, GSP का मतलब क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है जावा सर्वर पेजेस, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, बिंग जो सर्च इंजन है उसका ओनर कौन है? तो वो उसका ओनर है माइक्रोसॉफ्ट, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, वेब क्रॉलर को किस रूप से जाना जाता है? ये जाना जाता है वेब स्पाइडर के रूप से, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर जो है वो इनपुट करता है, प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। इसमें कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट है,
तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, तो इसमें माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, तो ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर जो है वो भी प्रिंटर की तरह एक बड़े आकार की मशीन होती है, ये भी आउटपुट ही देता है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका क्या है? तो वो दोस्तों हम बुकमार्क में सेव कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट को, उसको हम आसानी से उस पर बुकमार्क पे क्लिक करके खोल सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बुकमार्क का बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय साय किस स्थान के जमींदार थे? ये दोस्तों हीरापुर के थे, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ये की गई थी मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के तहत, तो इसको आप याद रखिएगा और बी ऑप्शन है इसका सही। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल ने किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? ये दिया था फाजिल मोहम्मद खान ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो इसका सभी को पता होगा, दयानंद सरस्वती इसके लेखक थे, इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ये मिलती है दसपुर शिलालेख से। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसको देखते हैं दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर हमें जाना है, तो सबसे पश्चिम में बड़वानी की पहाड़ियां हैं, और उसके बाद महादेव श्रेणी आती है, उसके बाद पूर्व में मैकल श्रेणी स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो चंबल जो नदी है उसकी घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है, इसका ऑप्शन सी जो है चंबल वो सही है। अगला प्रश्न है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? इसका नंबर है 52, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नवसहस्र चरित्र, मीरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, ये इन तीनों में हमें परमार राजवंश के इतिहास देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था परमार राजा भोज ने, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, वो क्या कहलाता है? आपको पता होगा वो क्रैकर ही कहलाता है। अगला प्रश्न है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है उसका अधिनियम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन है फिशिंग, ये साइबर अपराध है, साइबर स्टॉकिंग भी अपराध की श्रेणी में आता है, आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी अपराध की श्रेणी में है, और डी ऑनलाइन चैटिंग ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगला प्रश्न है, ईमेल पता mark.stolaiit-doc.info का डोमेन नेम क्या है? इसको जो डोमेन नाम है itdesk.info है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास केंद्र बामनौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो मुरैना में स्थित है, आपको पता ही होगा, तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था सितंबर 2014 में,
यानी इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर शामिल हैं? ये शहर है देवास और इंदौर। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो ये मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो विदेश व्यापार नीति से संबंध रखता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो मुख्यालय है वो इंदौर में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये थे 12 जनवरी 2020 को पूछे गए MBBSC प्री के पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज पेपर के सभी क्वेश्चनों का डिटेल आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, और इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा, तो आप बने रहिए मेरे स्टडी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।